दोस्तों, आज के वीडियो में हम जुलाई 2019 तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? रंजन गोगोई जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि यह कौन से नंबर के हैं? तो यह है 46 नंबर के। और इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे दीपक मिश्रा जी, लेकिन इन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रंजन गोगोई जी बन गए हैं भारत के CJI। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, मतलब उद्घाटन कब हुआ था, तो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और भारत का जो उच्च न्यायालय है उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो वह है आर्टिकल 124-147। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, वह है सुनील अरोड़ा जी। अच्छा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इसके अलावा ही दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वो कौन है? एक है सुशील चंद्रा जी और दूसरे हैं अशोक लवासा जी। अशोक लवासा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और यदि पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे, तो वह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? यानी इसका मतलब CAG पूछा जा रहा है। तो भारत के CAG कौन है? राजीव महर्षि। और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 148 में। और इनके यदि कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल या तो 65 साल की उम्र तक, या जो भी पहले हो तो वहाँ तक इनका कार्यकाल होता है। और राजीव महर्षि 13वें क्रम के CAG हैं। तो ये आप क्रम भी याद रखें। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी जानते हैं 17वीं लोकसभा चल रही है और ओम प्रकाश बिरला जी वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष हैं। और पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो वह है GV मावलंकर जी। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी मीरा कुमार जी। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आप सभी जानते हैं भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, वह कौन है? वह है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। और इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल याद रखिएगा आप। और इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष तक। कितना? 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, RBI के नए गवर्नर कौन हैं? तो RBI के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? वह बन गए हैं शक्तिकांत दास। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे उर्जित पटेल। और यदि बात की जाए RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और यदि इसके राष्ट्रीयकरण की बात की जाए, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अच्छा, RBI के बारे में तो हम ऐसा पढ़ते हैं, इनके गवर्नर के बारे में एक चीज़ जानते हैं हम? तो RBI के जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास के बारे में मैं बता दूँ, जो शक्तिकांत दास हैं वह 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं। क्या है? 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और यदि भारत के पहले RBI गवर्नर पूछा जाए तो वह थे ओसबर्ट स्मिथ। और यदि स्वतंत्र भारत के पूछा जाए तो वह थे CD देशमुख। अगला प्रश्न है, थल सेना के प्रमुख कौन है? तो थल सेना के प्रमुख कौन है? विपिन रावत जी। और ये भी पूछा जा सकता है, थल सेना दिवस या सेना दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसका मोटो पूछा जाए तो आप नोट कर लीजिए, इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला प्रश्न है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष है BS धनोवा। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो देखा जाए तो इसकी स्थापना तो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। तो स्वतंत्रता से पहले इसे रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रॉयल इंडिया एयरफोर्स के नाम से। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष हाल ही में बने हैं एडमिरल
कर्मवीर सिंह, और यह किसका स्थान लेंगे, यह स्थान लेंगे सुनील लांबा का। अच्छा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और इसका मोटो क्या है या आदर्श वाक्य कहा जाए तो संस्कृत में है, आप नोट कर सकते हैं, सम नो वरुणा, सम नो वरुणा है इसका आदर्श वाक्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके जो महानिदेशक बन गए हैं वह है के नटराजन। और यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और इसकी यदि मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और इसका भी मोटो आप लिख सकते हैं, मोटो आप ज़रूर याद रखिएगा, इसका मोटो है, यह भी संस्कृत में है, इसका मोटो है वयम रक्षामः, वयम रक्षामः है इसका मोटो। अगला प्रश्न है, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना जी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। अच्छा, और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और जो स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं मतलब कि राज्य लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी करते हैं राज्यपाल, और यूपीएससी के अध्यक्ष की राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, अभी आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल, अब आ गया सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल भारत का दूसरा बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल तो सबसे बड़ा होता है और सॉलिसिटर जनरल होता है दूसरा सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, और ये कौन है, यह है तुषार मेहता, और अभी मैंने बताया अटॉर्नी जनरल कौन है, वह है के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो यह है अजीत डोवाल जी, और यह कौन से क्रम के, यह 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक अजीत डोवाल की बायोग्राफी नहीं पढ़ी तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, बहुत कमाल के इंसान हैं, आप इनकी यदि बायोग्राफी पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वीके यादव जी, और इसके पहले कौन थे, इसके पहले थे अश्विनी लोहानी जी, लेकिन अब अश्विनी लोहानी कौन बन गए हैं, अश्विनी लोहानी बन गए हैं एयर इंडिया के चेयरमैन, याद रखिएगा एयर इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं अश्विनी लोहानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष है ए सूर्य प्रकाश, और प्रसार भारती क्या है, प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी का संयोजन है, दूरदर्शन और आकाशवाणी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं, तो लाखों मुद्दतों के बाद भारत को लोकपाल मिल ही गए, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, और यदि पिनाकी चंद्र घोष की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अच्छा, यह लोकपाल का पद आप समझते हैं क्या होता है, तो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने और उस पर कार्यवाही करने के लिए यह पद निमित्त किया गया है, लोकपाल का पद। अगला प्रश्न है, मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन है, तो केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त, ये भी आप याद रखिएगा, मिजोरम के पहले लोकायुक्त बन गए हैं सी लाल सावता। और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले ही मिजोरम के जो राज्यपाल थे के राजशेखरन नाम था उनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद अब राज्यपाल कौन है वहाँ के, अब राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल हैं, यह असम के, लेकिन अभी इन्हें मिजोरम का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, आप नीति आयोग समझते ही हैं, योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की थी जिसके अध्यक्ष ये खुद हैं, और यदि उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार उपाध्यक्ष है और सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, आईबी के अध्यक्ष कौन है, आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, इसके अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद कुमार बन गए हैं आईबी के अध्यक्ष, और उन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है राजीव जैन का, किसका स्थान लिया है, राजीव जैन का स्थान लिया है अरविंद कुमार ने। और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी रॉ के भी नए अध्यक्ष बने हैं, तो रॉ के अध्यक्ष के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं सामंत कुमार गोयल, और ये किसका स्थान लेंगे, यह स्थान लेंगे अनिल धस्माना का। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो रॉ और आईबी के जो दोनों नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं
वह 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। क्या है? 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। पहले यह भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वह बन गए हैं जेपी नड्डा जी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यदि अमित शाह की बात की जाए तो इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जा सकता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर। जी जी अगला प्रश्न है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? यह है निर्मला सीतारमण जी। और यह स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है कर्नाटक। कर्नाटक से यह राज्यसभा सांसद है। और इसके पहले कौन थे? अरुण जेटली जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा, आप राज्यवर्धन सिंह राठौर मत कर दीजिएगा, क्योंकि अब चेंज हो चुके हैं। तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। कौन है? किरण रिजिजू जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। और इसके पहले कौन थी पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री? वह थी निर्मला सीतारमण जी। और यदि राजनाथ सिंह जी की बात की जाए तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से यह सांसद है। और मनोहर पर्रिकर कौन है? मनोहर पर्रिकर अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन यह भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और बाद में यह गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में विदेश मंत्री है एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई के बांद्रा में। अच्छा, दो सन में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, एक है 1988 और दूसरा है 1992। तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए थे 1992 में। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, जहाज रानी सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो जहाज रानी सड़क परिवहन मंत्री है नितिन कुमार गडकरी जी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है SBI के चेयरमैन कौन है? SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? रजनीश कुमार। अच्छा, SBI से रिलेटेड एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वह यह है कि SBI की जो MD थी, क्या नाम है उनका? MD का नाम है अंशुला कांत जी। उनकी इंटरनेशनल लेवल पे नियुक्ति हुई है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उनकी जो इंटरनेशनल नियुक्ति हुई है वह कहाँ हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है, BSF के अध्यक्ष कौन है? तो BSF के अध्यक्ष कौन है? रजनीकांत मिश्र जी। BSF की बात आई है तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। और इसका मोटो क्या है? बहुत अच्छा मोटो है इसका। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है राजीव राय भटनागर जी। CRPF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई, अभी मनाया जाएगा 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। 27 जुलाई 1939, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह जी। और 14वें वित्त आयोग के पूछा जाए तो वह थे YV रेड्डी। अगला प्रश्न है, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी महिला बाल विकास मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार जी। क्या है? MR कुमार जी। और LIC की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। कभी थी? 1 सितंबर 1956 को। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार जी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है NK सिंह जी। और 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी जी। 15वें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो यह है रवि शास्त्री जी। और भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष टीम है उनके कैप्टन कौन है? विराट कोहली जी। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, BCCI की स्थापना, तो BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वह भारतीय है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, यह है मनु साहनी जी। ICC की यदि बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका मुख्यालय है दुबई में।
और अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप समाप्त हुए हैं और विनर कौन थे? विनर थे इंग्लैंड, और इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया था न्यूजीलैंड को। और यह मैच कहाँ खेला गया था? यह खेला गया था लॉर्ड्स स्टेडियम में, और लॉर्ड्स स्टेडियम को ही क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं आपको पीडीएफ में मॉडिफाई करके दे दूंगी। इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है मानव संसाधन विकास मंत्री। और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, हरिद्वार से ये लोकसभा सांसद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? यह है नरेंद्र बत्रा जी। और एक चीज, नरेंद्र बत्रा जी के लिए एक और नियुक्ति है इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यह है कि ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो है ही, साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य भी बनाया गया है। किन्हें? नरेंद्र बत्रा जी को। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो पता होना चाहिए आपको, अभी जो बजट पेश किया गया था यह भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो यह है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, यह है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। अच्छा, मुख्य आर्थिक सलाहकार से मुझे एक नाम बहुत याद आता है, वह है गीता गोपीनाथ जी का। हालांकि वह इंटरनेशनल लेवल की नियुक्ति है, लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि गीता गोपीनाथ जो है भारतीय मूल की हैं। तो पहले तो वो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वित्तीय सलाहकार थी, लेकिन उनकी अब, मतलब ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में गीता गोपीनाथ की नियुक्ति हुई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो और निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण तो हमारी वित्त मंत्री हैं, और अरुण जेटली जी इसके पहले थे। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, SSB के महानिदेशक कौन है? SSB का फुल फॉर्म क्या होता है? सहस्त्र सीमा बल। तो SSB के महानिदेशक कौन है? SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र हैं SSB के महानिदेशक। और यदि SSB की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये थे जुलाई 2019 तक की सारी नियुक्तियों के बारे में डिटेलिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।